रिंकू त्रिपाठी पाठी कहते हैं आशीष भांडे ने मैसेज किया उन मैम को जो बोल रही है, बिल्कुल उन लोगों में क्या बात हुई, सॉरी हुआ नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बात जरूर है कि अगर इस मैटर को कोई खत्म करने की बात करता है तो ये मोस्ट वेलकम है, अदरवाइज बहुत बात होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। रिंकू त्रिपाठी पाठी कहते हैं आशीष भांडे ने मैसेज किया उन मैम को जो बोल रही है, बिल्कुल उन लोगों में क्या बात हुई, सॉरी हुआ नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता, उन लोगों में क्या बात हुई, सॉरी हुआ नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता। ये बोलते हैं कि वीडियो आज बहुत वायरल हो रहा है कि ये पहले तो बोलते हैं एक लड़का इनको बोलता है कि भाई आपने रिंकू त्रिपाठी को, जैसे त्रिपाठी त्रिपाठी थे वो, पांडे से किसी मैम को माफी मंगवाई कि नहीं मंगवाई, तो ये बोलते हैं मालूम नहीं मुझे तो ऐसा मालूम नहीं। और फिर दूसरी ही वीडियो में हम देखते हैं कि ये खुद कॉन्फ्रेंस कॉल में समझौता एक्सप्रेस चला रहे हैं, तो यानी कि ये झूठे मक्कार एक नंबर के हैं। सलमान बिल्कुल ठीक है, 5 मिनट कोई बात नहीं है, तो ये झूठे मक्कार इतने हैं, ये पहले बोलते हैं कि भाई हमें तो मालूम नहीं क्या है किसने किया कि नहीं किया, अब फिर बोलते हैं कि फिर इनका ही वीडियो आ जाता है कि ये कॉन्फ्रेंस राजीनामा करवा रहे हैं, माफिया मंगवा रहे हैं। ठीक है, नमस्ते भाई, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सॉरी आप वालेकुम सलाम, सो रहे थे? नहीं मैं सोई थी एक्चुअली। हाँ मैं सो रही थी, रात में बहुत लेट हो गया था ना। अच्छा हाँ भाई, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं आज वीडियो वो देखा, मैं तो बड़ा शॉकिंग रह गया भाई, एक मिनट। जी जी, तो वो हाँ जी सिस्टर को ऐड कर लिया। हाँ भाई, हाँ बोलिए। बिल्कुल, तो मैं तो इतना हैरान परेशान हूँ कि मुझे तो ये बड़ी हैरानी हो रही है कि ये हो क्या रहा है, ये बोल रहे हैं कि मुझे तो मालूम हाँ। नहीं कि सॉरी वोरी मांगी है कि नहीं, और दूसरे ही पल ये सॉरी मांग लेते हैं। हाँ मैं यही कहना चाहूंगी, जब मैं इन्होंने मुझसे जब माफी मांगी थी, इन्होंने जब मुझे कॉन्फ्रेंस से बात की थी, तब रफीक भाई ने मुझे कहा था, सॉरी रफीक भाई नहीं, रफीक ने मुझे कहा था कि ये अभी हमारे बीच की बातें हैं और ये बातें हमारे तक रहे कि हमने माफी वाफी मांग ली है, आप एक पोस्ट डाल देना अंजुम और ये बता देना कि हमारे बीच में जो भी था वो क्लियर हो गया है, इसके बाद ना बात हम करेंगे ना आप करना, ये बात हमारे बीच में यही तक क्लियर हो जानी चाहिए। जी, तब जी। मैंने कहा था ओके भाई ठीक है, जब मुझे माफी चाहिए थी, लोगों ने जो मेरे साथ बदतमीजी चेक करी थी, मुझे जी, माफी जी। चाहिए थी, इन्होंने मुझे बात करके मुझसे माफी मांग ली, बात उधर खत्म हो गई। जी, जी। लेकिन जैसे वो कमिटमेंट से अपने बदले हैं, उन्होंने ये फिर कहा, उन्होंने बोला, मुझे बोला फिर, था कि, फिर उन्होंने बोला कि सॉरी नहीं मांगी कोई, ऐसा मैंने सुना। हाँ, कोई सॉरी वॉरी कुछ नहीं हुई है अभी, ये एमडी का पता नहीं, वो जो अभी एक बंदा है अभी वो उनके फेवर में आके मुझे घड़ी 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 को कैसे कैसे कमेंट कर रहा है मेरे इस पे, मैं उसको अभी बाद में देखती हूँ लाइव कट होने के बाद। शहबाज भाई अगर आप मेरा लाइव देख रहे हो ना, तो जहाँ पे मैंने पोस्ट किया है ना उनकी वीडियो, अपने आपको मैंने ऐड किया है, तो जरा वो उस बंदे को जाके जरा उसको सवाल जवाब दीजिए आप, बहुत बदतमीजी कर रहा है वो। तब रफीक ने मुझसे जो कमिटमेंट की थी कि हम ये बात अपने तक ही रखेंगे, तो मैंने कहा था उनको ठीक है कहीं ना कहीं, पहले माफी मांग ली इन्होंने, पहले माफी मांगी, फिर इन्होंने दोबारा बोला कि हमने तो कोई माफी नहीं मांगी, ये डबल स्टैंडर्ड्स खेलते हैं गेम हैं। मैं दोबारा अंजुम, अंजुम जी, अंजुम अंजुम ठीक है। हाँ तो जब उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये सब चीजें ये क्या हुई है, तो मुझे मजबूरन ये चीज अभी आगे लानी पड़ी।